अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिशरा एंड आप देख रहे हैं बिशराज कोचिंग क्लास ऑफ मैथ केमिस्ट्री में। आज हम आ गए हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शंस को डिस्कस करने। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो होते हैं डेरिवेटिव्स, कौन से डेरिवेटिव्स जो होते हैं हाइपरबॉलिक के किस चीज़ के इक्वल होते हैं। एंड इसी के साथ, अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी जिसमें मैंने जो है हर हाइपरबॉलिक फंक्शन को अलग से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है एंड पूरा पूरा वहाँ पर मेथड बताया हुआ है कि किस तरह से ये वाला आंसर इस चीज़ के इक्वल आएगा, तो आप जल्दी से जाइए एंड प्लेलिस्ट में वो वाली वीडियोज़ देखिए और उसके बाद यहाँ पर आइए, तो आपका जो है एक रिविजन हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आता है, द मोस्ट फेमस फंक्शन ऑफ हाइपरबॉलिक, दैट इज़ साइन हाइपरबॉलिक ऑफ यू। तो अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें इसका, तो हमारे पास एक जो है अलग से डी यू बाई डी ऑफ एक्स का फंक्शन बनेगा। बट मैंने जो है सिंपल तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू यू ही, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया था ताकि आप जो है अलग झंझट में ना पड़े। ठीक है, पहले आप लोग वो चीज़ सीख लें, देन यहाँ पर फिर अलग अलग वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स में आ जाए। ठीक है, तो साइन का जो है डेरिवेटिव मैंने बताया था कि हमारे पास जो होता है वो होता है कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ यू। बट अगर हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर यू है और इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन आएगा डी यू बाय डी ऑफ एक्स। ठीक है, सो इस तरह से जो है डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट हमारे पास एक साथ जो है वो आ जाते हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है। नाउ अगर इसके सेकेंड फंक्शन की बात करें, यानी डी बाय डी ऑफ एक्स, अगर हम लोग फाइंड करें, ये साइन का कॉस था, तो अगर हम लोग कॉस का डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, वो आएगा हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक ऑफ यू। एंड डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास डी यू बाई डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, सो एक दूसरे के ऑपोजिट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है और कॉस का डेरिवेटिव साइन आता है। ठीक है, एंड देन थर्ड जो है हमारे पास टेंजेंट है। अगर हम लोग टेंजेंट का डेरिवेटिव देखें, तो टेंजेंट हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, सीकन स्क्वायर हाइपरबॉलिक ऑफ यू विद डी यू बाय डी ऑफ एक्स। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास सीकन स्क्वायर होता है। और अगर अब हम सीकन की बात करें, यहीं पर अगर मैं फोर्थ में डी बाय डी ऑफ एक्स सीकन का फाइंड करूँ, ठीक है, सीकन हाइपरबॉलिक ऑफ यू का, तो वो मुझे डेरिवेटिव में क्या देगा, एक सीकन का फाइंड करूँ, यहाँ पर तो दो सीकन है, तो यहाँ से एक सीकन जो है वहाँ पर चला जाएगा, आंसर मेरे पास क्या आएगा, सीकन हाइपरबॉलिक ऑफ यू विद टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ यू। अब एक सीकन वहाँ जा रहा है तो एक नेगेटिव साइन भी जो है बीच में एज अ बोनस हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इसको पेयर्स में याद कर लेना है। पेयर्स में किस तरह से, कि अगर हम लोग साइन ले रहे हैं तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और अगर हम कॉस ले रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव साइन होता है, मतलब ये जो है क्रॉस आ रहा है बीच में। ठीक है, एंड देन अगर हम लोग टेंजेंट को देखें, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर आता है, अगर सीकन को देखें तो वो हमारे पास क्या देता है, सीकन और टेंजेंट दोनों को देता है, क्योंकि हमारे पास दो सीकन है, एक सीकन वहाँ चला जाएगा तो सीकन, एक खाली सीकन का डेरिवेटिव हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने लिए हिंट्स बना लें, हमेशा जब हिंट्स हम खुद के लिए बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हमेशा हमें वो चीज़ याद रहती है। मैं तकरीबन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसे ही पढ़ाती हूँ कि एक सीकन वहाँ चला जाएगा तो एक सीकन का डेरिवेटिव हमारे पास सीकन टेंजेंट विद माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो आपने क्या करना है, अपने लिए कोई हिंट बना लें, अगर आपको मेरी हिंट पसंद नहीं आ रही, बट हिंट ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, स्टार्टिंग में हिंट बहुत काम देती है, देन फिर तो हमें याद हो ही जाता है ना, वो ज़िंदगी के जो वो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ज़िंदगी के गमों को उठाना आ जाता है गालिब। ठीक है, सो देन फोर्थ हो गया है हमारे पास। नाउ अगर हम लोग फिफ्थ की बात करें, तो वो है हमारे पास कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ यू। तो अगर हम लोग कॉट का डेरिवेटिव देखें, यहाँ पर मैं डेरिवेटिव का साइन नहीं लगाया, डी बाय डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर मैं कॉट का डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉट का डेरिवेटिव मेरे पास माइनस कोसीकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ यू विद डी ऑफ यू बाय डी ऑफ एक्स आएगा। नाउ अगर मैं सिर्फ कोसीकन का डेरिवेटिव लूँ तो क्या हो जाएगा, सिक्स नंबर डी बाय डी ऑफ एक्स कोसीकन यू। तो कोसीकन का सिर्फ एक ले रही हूँ, या तो दो कोसीकन है, एक कोसीकन वहाँ चला जाएगा और अपने माइनस को भी साथ जो है ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कोसीकन हाइपरबॉलिक ऑफ यू विद कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ यू एंड देन डी यू बाई डी ऑफ एक्स अपना ही इसके साथ। ठीक है, सो देखिए ये हम लोग कुछ इस तरह से याद करते हैं, एंड ये थे हमारे सिक्स बेसिक फंक्शंस ऑफ हाइपरबॉलिक।
होप कि सबको समझ आ गए होंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन जो है देखेंगे कि किस तरह से 6 बेसिक फंक्शन की इंटीग्रेशन हमारे पास कैसे होती है इक्वल एक दूसरे के, वो भी हमारे पास डेरिवेटिव्स के ही जो है एक एप्लीकेशन की तरह यूज़ होते हैं। जिस तरह हम डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं वही हमारे पास इंटीग्रेशन में भी होता है, बट सम डिफरेंट रूल्स, ठीक है। सो होप कि सबको डेरिवेटिव समझ आ गए होंगे, जिनको नहीं आए वो एक बार फिर से देख ले। डेरिवेटिव्स को समझने से पहले आप ना इंटीग्रेशन पर मत जाएं, पहले डेरिवेटिव्स को समझें फिर इंटीग्रेशन पर जाएं, देन आपको इजी होगा उसको याद करने में भी एंड सारी चीज़ें जो है आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ भी आ जाएंगी। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है एंड आप मेरा कौन सी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। इसी के साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।